जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, Realme अपने दो नए नवेले एंट्री लेवल के फोन्स को लॉन्च कर दिया है, लेकिन अगर मैं इन दोनों फोन्स के बारे में बताऊंगा आप लोग लिटरली कहोगे भाई ये दोनों तो सेम स्मार्टफोन्स हैं, बस नाम सिर्फ अलग अलग Realme रख दिया है। चलो बताता हूँ, पहला जो फोन है Realme Narzo 50i Prime है और जो दूसरा फोन है Realme C30s है। एक 13 सितंबर को लॉन्च हुआ, एक 14 सितंबर को लॉन्च हो गया है। चलो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग Realme Narzo 50i Prime से। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक HD+ IPS LCD पैनल मिल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। 270 का PPI बता देता हूं मैं और 400 nits का टिपिकल ब्राइटनेस मिल जाता है। वाटर ड्रॉप नॉच और चिन, भाई एंट्री लेवल का फोन है और क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। 8 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सिंगल कैमरा मिल जाता है, 5 का सेल्फी। यहां पर गलत काम किया Realme, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देना चाहिए था। भाई जितने भी 8-7 हज़ार रुपए के फोन हैं 13 मेगापिक्सल का कैमरा दे देते हैं। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, तभी तो तेरी फक्ड अप है। कुछ कुछ तो दो कैमरा दे देते हैं 13+2 मेगापिक्सल का, लेकिन यार तुम 8 मेगापिक्सल का दिए, गलत काम किए। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता ही नहीं है। सही सुन रहे हो, जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है यार। कम से कम रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर तो दे देना चाहिए था, फेस अनलॉक के साथ आता है। हालांकि UFS 2.2 का चॉइस सपोर्ट मिला भाई, जो अभी इस प्राइस रेंज में 7-8 हज़ार रुपए के फोन में एकदम कोई और स्मार्टफोन ब्रांड देता ही नहीं है, तो स्मार्टफोन काफी फास्ट वर्क करेगा। LPDDR4X RAM टाइप मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी, 10 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Android 11 के साथ आएगा, भाई ये भी बहुत गलत बात है यार, Android 12 देना चाहिए था। Android 12 का तो Go Edition आ चुका है, तो Android 11 का Go Edition कहीं को दिए। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T612 प्रोसेसर मिल जाता है, 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पर आपको Mali G57 का GPU मिल जाएगा। मीडियम ग्राफिक्स पे थोड़ी बहुत गेमिंग कर लोगे, इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे लेकिन कर लोगे। डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन ठीक ठाक वर्क करेगा, लैग नहीं करेगा। अब ये जो प्रोसेसर है MediaTek Helio G80 G70 के आसपास का परफॉर्मेंस दे देता है। क्या कह रहे हो, सही कह रहे हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज आपको ज्यादा कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप गेमिंग भी ठीक ठाक तरीके से कर लोगे और डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन अच्छा वर्क भी करेगा। वहीं अगर Realme C30s की बात कर ले तो आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स देता है जो आपको Realme Narzo 50i Prime दे देता है। पहली बात तो दोनों स्मार्टफोन सेम है, बस हार्डवेयर में चेंजेस कर दिए गए हैं। देखो यारो, डिस्प्ले वाइज कैमरास वाइज ये स्मार्टफोन सेम है, ठीक है, जो मेन स्पेक्स है वहां पर चेंजेस कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया गया है और सारा पैसा इसी में लगाया Realme और बाकी सारे स्पेक्स को इसी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के चक्कर में डाउनग्रेड कर दिया। यहाँ पर आपको eMMC 5.1 का चॉइस सपोर्ट दे दिया है। परफॉर्मेंस वाइज बात कर ले तो इतना बेकार प्रोसेसर दिया है कि नाम तक मेंशन नहीं किया है। यूनिसॉक का कोई ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, IMG8322 का GPU दे देता है, मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन एकदम बेकार है। डे टू डे लाइफ के टास्क हल्का सा भी करोगे हैंग करेगा, स्लो वर्क करेगा, इतना ज्यादा हैंग करने लग जाएगा कि कभी कभी फोन स्विच ऑफ भी हो सकता है। भाई गेमिंग तो छोड़ दो, भाई डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन चल जाए वही बड़ी बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। और तुम लोगों को पता है यहाँ पर आपको Android 12 का Go Edition मिल जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे इस वाले फोन में Realme क्यों मेहरबान हो गया, Realme Narzo 50i Prime में क्यों Android 11 का Go Edition दिया। देखो यारो, बात एकदम सिंपल है, ये जो फोन है इसके स्पेसिफिकेशंस और ज्यादा बेकार है Realme Narzo 50i Prime से, प्रोसेसर भी एकदम फालतू दिया है। तो यहाँ पर Android 12 का जो Go Edition है ना, वो Android 11 के Go Edition से ज्यादा फास्ट है, वो बहुत ही सस्ते सस्ते फोन में भी चल जाएगा, समझ गए, चल जाएगा, मतलब कि अच्छा फास्ट स्मूथ एक्सपीरियंस आपको दे देगा, क्योंकि गूगल इसलिए बनाया है भाई Go Edition को। और भाई जैसे जैसे नए एंड्रॉइड वर्जन के Go Edition आते हैं वो ज्यादा फास्टर, स्मूदर और ज्यादा सिक्योर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन Realme ये तुम्हारा स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगा, 50i Prime में भी तुमको 12 Go देना चाहिए था। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब चलो यार, वो बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स 8.5 mm के थिकनेस के साथ आते हैं। Realme Narzo 50i Prime का जो वेट है 182 ग्राम्स है, जो Realme C30s का वेट है 187 ग्राम्स है। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई इसमें 3-4 पॉइंट्स आगे कैसे बढ़ गए, क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, इसी वजह से। डिजाइन वाइज देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन सेम है, बस कलर और पैटर्न और कैमरा हाउसिंग के स्टाइल को चेंज कर दिया गया है। Realme भाई बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने लगा है ना, क्या करोगे यार, वो हम लोगों को बेवकूफ समझता है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, देख ही सकते हो उसका स्मार्टनेस कितना अच्छा वाला है। दोनों स्मार्टफोन्स प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, प्लास्टिक फ्रेम दे देते हैं, आगे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है। अब चलो यारो, बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स के आपको प्राइसेस बता देता हूँ। Realme Narzo 50i Prime शुरू होता है 3GB + 32GB वाले वेरिएंट से, इसका बेस वेरिएंट है
7,999 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज, 4+64 GB, 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज, और Realme C30s 2 GB RAM plus 32 GB स्टोरेज यार 7,500 रुपए, 7,500 रुपीज, और 4+64 8,999 रुपए, 9,000 रुपीज। तो आपको प्राइजेस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अपने रिएक्शन और ओपिनियंस बताओ जल्दी से। अब चलो यार बात कर लेते हैं, क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों में से किसी भी फोन को खरीदना चाहिए? नहीं, इन दोनों फोन से दूर रहो, बिल्कुल भी अच्छे फोन्स नहीं है। 8,000 रुपए का बजट है तो टेक्नो स्पार्क 9 को जाके खरीदो, वन ऑफ दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 8,000 रुपए में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे देता है, मीडियाटेक हीलियो G37 के जैसे एक नए प्रोसेसर के साथ आता है, एकदम बवाल फोन है। उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। 4 GB रैम भी देता है, सोच के देखो। अगर आपको और भी 10,000 रुपए के अंदर में स्मार्टफोन चाहिए अच्छे वाले, आप उनके बारे में जानना चाहते हो, तो आपको कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आई बटन पे सजेस्ट करूंगा, जाके क्लिक करके देखना, आपको मदद करेंगे वो 10,000 रुपए के अंदर में अच्छा फोन ढूंढने के लिए, या फिर 10,000 रुपए से ऊपर का बजट है तो भी मदद कर देंगे, तो जाके जरूर से देखना। मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन 8,000 रुपए का बजट है तो टेक्नो स्पार्क 9 सबसे बेस्ट फोन है। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।